So if I say to you that you have to travel from Delhi to Lucknow, then simply will open Google Maps on your phone, and after opening Google Maps, you will simply enter your location, select it as Delhi, and destination as Lucknow. So you will be getting a simply road map from place to place where you can go easily. Totally cool. But what if I say to you that you have to take your airplane and fly directly from Delhi to Lucknow? Will the procedure be same? Do pilots really rely on Google Maps or what? Let's find out in this video. X-ray runway 7, hold section runway 12, hold short runway 7, beam the turn. Roger that. Hello everyone, welcome back to another episode. This is Vishal Sharma, your host for today. And in this video, we'll be discussing another aviation basic query. Aviation maps versus Google Maps. Does aviation map looks like in Google Map? How do the airplane knows where to go? How does pilot fly an airplane from one destination to another destination? How do they know the route? Is there any sort of roadmap up there 46,000 feet in the sky? Do they have still the same navigation as the Google Map does? Everything will be answered in this video. So stay tuned and watch the video till the end to find out what else will be explained. So before moving down the video, let's first see how does an aviation map actually looks like. Let's go to the maps first. So अगर मैं बात करूँ हमारे करंट एयर स्पेस के बारे में, तो जो हमारा करंट एयर स्पेस है ओवर इंडिया, वो कुछ ऐसा दिखता है. ये हमारा हो गया इंडिया, ये पाकिस्तान हो गया, एंड ये हमारे डिफरेंट स्टेट्स हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड पर्टिकुलर डिफरेंट सिटीज़ भी, लाइक दिस वन हेयर लखनऊ, एंड दिस वन इज इंटायर दिल्ली एरोड्रोम. ये हमारा नागपुर एरिया हो गया, ये पूरा एरिया दिया हुआ है. सो जैसा कि आपको देख सकता है कि हमारे एयर स्पेस इतना एम्प्टी नहीं है, बट हालांकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी है बिकॉज ऑफ कोविड. बट बिफोर कोविड इट यूज़ टू बी कम्प्लीटली फिल्ड विद एयरप्लेन्स. सो ऐसे रूट में ऐसा नहीं है कि हर एयरक्राफ्ट अपनी मर्जी से कहीं भी ट्रैवल कर सकता है. हर एयरक्राफ्ट को फॉलो करना होता है एक पर्टिकुलर रूट जो उसको असाइन किया है बाय एयर ट्रैफिक सर्विसेज. सो इसलिए उन रूट्स को हम एटीज बोलते हैं. बट जैसे कि आपको दिख रहा है इस मैप में, हमको केवल लैंडस्केप दिख रहा है एंड एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है. सो कैसे पता लगाएंगे कि किस एयरक्राफ्ट को कहाँ जाना है एंड क्या रूट फॉलो करना है, क्या रेडियल हेडिंग क्या होना चाहिए, व्यू आर कहाँ पे कैसे क्या है, उसके लिए हम ब्रेक डाउन करेंगे इस पूरे को इनटू अ मच सिंपलर मैप जो कि हम एविएशन में यूज़ करते हैं. ये तो हो गया फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए कि कौन सा एयरक्राफ्ट किस एयरलाइन का है. फर्दर मूव करते हैं ये देखने के लिए कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटीएस रूट कहाँ जा रहा है. सो ये रहा हमारा हाइपोथेटिकल एटीएस रूट चार्ट. दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथेटिकल बिकॉज ये ओरिजिनल स्केल ऑफ बेसिस पे नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल रूट लिया गया हमने फॉर ट्रेनिंग पर्पस एंड फॉर द पर्पस ऑफ आरटीआर एग्जाम ओनली. सो इफ यू लुक इनटू द मैप, वी विल सी ये एरिया हमारा दिल्ली है, ये लिखा हुआ है दिल्ली एरिया. बट ये सब क्या है एंड ये पेंटागन शेप वाला एरिया क्या है, एंड उसके अलावा आपको दिखेगा ये रहा हमारा कानपुर, एंड कानपुर पे यू विल सी अ सर्कल हियर. सो दिस इज़ बेसिकली एन NDV एंड दिस इज़ VOR. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हमको ये जानना पड़ेगा कि वॉट इज़ एन VOR एंड वॉट इट डज़ एंड वॉट इज़ NDV एंड उसका पर्पस क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो हमको लाइन्स दिख रही हैं एक्चुअल में ये हैं क्या एंड वॉट इज़ देयर पर्पस एंड ये यहाँ पे क्या कर रहा है. सो फॉर दैट लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. सो बिफोर एडवांसिंग डीप डाउन इनटू द मैप्स एंड नोइंग मोर अबाउट देम, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर कोरिलेटेड विद देम एंड दैट यू नीड टू नो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर डाउन द वीडियो. सो सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक आता है, जो टर्म आता है, वो आता है VOR. जैसे कि आपने अभी अभी मैप्स में देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन द वर्ड DPN फॉर दिल्ली, डेल्टा पापा नंबर. सो दिस इज इन VOR कोड फॉर दिल्ली. सो VOR इज बेसिकली एन ग्राउंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन दैट इज बेसिकली वर्किंग ऑन एन VHF कम्युनिकेशन एड. सो दिस इज एन ग्राउंड एड दैट ब्रॉडकास्ट्स अ VHF फ्रीक्वेंसी VHF सिग्नल्स विच आर पिक्ड अप बाय द एयरबॉर्न रिसीविंग कॉम्पोनेंट that is fitted on the aircraft so that the aircraft can derive its magnetic bearing from the station. Meaning जो Delhi DPN का जो आपका VOR होगा ground station, वो emit कर रहा होगा VHF radio signals and aircraft में लगा होगा हमारा receiving component, वो उसको receive करेगा and the aircraft will derive its magnetic bearing from the station. Then उसको पता चल जाएगा कि वो कितनी bearing या फिर कितनी
अदर शब्द अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो वी कैन सी रेडियल, कितनी रेडियल्स में एयरक्राफ्ट है उस स्टेशन से. रेडियल एंड हेडिंग, दीज आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वर्ड बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बिफोर सीइंग एनी सॉर्ट ऑफ एविएशन मैप. सो हेडिंग एंड रेडियल, दीज आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म्स जो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से. जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि एयरक्राफ्ट कुड बी पॉसिबली फ्लाइंग इन टू सेम हेडिंग बट ऑन डिफरेंट रेडियल्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस. इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो आपका एयरक्राफ्ट है इट इज़ फ्लाइंग ऑन डिफरेंट हेडिंग्स, सॉरी इट इज़ फ्लाइंग ऑन डिफरेंट रेडियल्स, बट इट इज स्टिल फ्लाइंग ऑन द सेम हेडिंग ऑफ 360 डिग्रीज टूवर्ड्स द नॉर्थ, और यू कैन स्पेल इट एज 000 डिग्रीज, बट इट इज फ्लाइंग ऑन डिफरेंट रेडियल्स बिकॉज इट इज हैविंग और इट इज डिराइविंग इट्स पोजिशन डिफरेंटली एट डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम द पर्टिकुलर व्यू आर स्टेशन. इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ऑन द सेम रेडियल बट एट द सेम पॉइंट इट इज हैविंग डिफरेंट रेडियल, सो बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म्स. जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो मैप है वो डिफरेंट है, हमारा जो मैप का टॉप होता है वो होता है नॉर्थ. सो दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी 090 डिग्रीज, दिस विल बी 180 डिग्रीज, एंड दिस विल बी 270 एंड देन अगेन 00 डिग्रीज. सो दिस विल बी नॉर्थ, दिस हेयर विल बी कमिंग एज ईस्ट, दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी वेस्ट. 000, 090, 180 and 270 डिग्रीज, इसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ हमारी हेडिंग्स को. सो ये हेडिंग हो गई. अब जो हमारा रेडियल होगा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनडीबी, अनदर थिंग दैट इज इंडिकेटेड ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल. सो एनडीबी स्टैंड फॉर नॉन डायरेक्शनल बीकन. इट इज बेसिकली अ ग्राउंड बीकन दैट वर्क्स इन द मीडियम फ्रिक्वेंसी एंड लो फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ्स एंड बेसिकली ट्रांसमिट्स सिग्नल्स इन द फॉर्म्स ऑफ कोडेड एलिमेंट्स इक्वली ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शंस. These are basically used by the automatic direction finding equipment installed on board the aircraft that uses bearings from the NDB for navigation of the aircraft. So, जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया अबाउट VOR एंड NDB, सो उन डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं. सो ये हो गया हमारा VOR, एंड जो आपको दिख रही हैं लेटर्स लाइक दिस वन सेज 107 डिग्रीज, 177 डिग्रीज, 213 डिग्रीज, 240 डिग्रीज एंड 280 डिग्रीज, तो ये यहाँ से निकले हुए रेडियल हैं. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एयरक्राफ्ट कुड बी ट्रैवलिंग ऑन डिफरेंट रेडियल्स वाइल फॉलोइंग द सेम हेडिंग. अगर कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पे है और उसका हेडिंग अपसाइड है तो हेडिंग नॉर्थ में, मतलब कि इट कुड बी 000 और यू कैन से 360 डिग्रीज, बट उसका जो रेडियल होगा वो होगा 107 डिग्री. यहाँ पे 107 डिग्रीज हो सकता है, यहाँ 112 डिग्रीज हो सकता है, बट इट इज़ स्टिल फॉलोइंग द हेडिंग ऑफ 360 डिग्री. ये हो गया. अब अगला, ये जो आपको रूट दिख रहा है, दीज आर एटीएस रूट्स. अब इनको क्यों बनाया गया है? जैसे कि हमने देखा था उस मैप, प्रीवियस मैप में, कि हमारा जो इंटायर एयर स्पेस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं. सो इट इज़ नॉट लाइक कि हर एयरप्लेन अपनी मर्जी से कहीं भी फ्लाई करेगा. एटीएस रूट्स का पर्पस होता है टू चैनलाइज द ट्रैफिक और द मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी क्रिटिकल कंडीशंस एंड ऑल्सो टू मेंटेन प्रॉपर फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन देयर एयर स्पेस. उसके लिए हम इंट्रोड्यूस किया हमने एटीएस रूट्स को. सो हर एटीएस रूट्स को हमने नाम असाइन किया, जैसे कि ये विस्की 13 नॉर्थ हो गया, ये विस्की 13 साउथ हो गया, ये विस्की 20 नॉर्थ, विस्की 20 साउथ. इसको ब्रेक करेंगे फर्दर तो जो विस्की 13 नॉर्थ है इसमें विस्की वर्ड 31 एंड एन अलग अलग है. जो डब्ल्यू है इट कुड बी एनी लेटर फ्रॉम ए टू जेड. जो 13 आपको दिख रहा है इट कुड बी एनी नंबर फ्रॉम 1 to 999. एंड जो एन हो गया दिस बेसिकली इंडिकेट द डायरेक्शन. ये हो गया नॉर्थ, दिस वन इज फॉर साउथ, दिस अगेन नॉर्थ, दिस वन अगेन फॉर साउथ. फर्दर डब्ल्यू का मतलब हो गया डोमेस्टिक रूट, डब्ल्यू स्टेट्स डोमेस्टिक रूट. अगर के होगा दैट विल बी हेलीकॉप्टर रूट्स. अगर आपका यू होगा दैट विल इंडिकेट अपर लेवल रूट. अगर एस होगा वो इंडिकेट करेगा सुपरसोनिक रूट. सो इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया. अब फर्दर देखते हैं, हालांकि आपको गूगल मैप्स की तरह ये सेम दिखेगा, इसमें भी आपको आगरा, ग्वालियर, कानपुर, सिकंदराबाद, जलालाबाद, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, ये डिफरेंट एरियाज दिखेंगे. ये सबसे में ऑब्वियस एयरप्लेन ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट व्हाट डिफर्स इज दैट हम स्टेशन को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द VOR नेम. ये हो गया इसका VOR नेम. ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द NDB. बेसिकली NDB इज एन 2 or 3 लेटर वर्ड इंडिकेट करते हैं NDB को. एंड जो हमारा व्यूअर होता है वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ज़्यादातर 3 लेटर पे ही मिलेगा. सो DPN इज डेल्टा पापा नवंबर एंड JJO स्टैंड फॉर जूलियट ऑस्कर. सो ये रूट्स हो गए. अब
जो एयरक्राफ्ट दिल्ली आ रहा होगा वो फॉलो करेगा 13 नॉर्थ रूट, बिकॉज दिस रूट टेक्स द एयरक्राफ्ट टू नॉर्थ। जो जा रहा होगा दिल्ली से वो फॉलो करेगा आपका विस्की 13 साउथ दैट टेक्स द एयरक्राफ्ट टूवर्ड्स द साउथ। अब ये जो आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली में हैं क्या? अब एयर में तो हमको पता चलेगा नहीं कि हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, एंड सिंस जो एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग एल्टीट्यूड होता है वो होता है लगभग 20,000 फीट से लेके 45,000 फीट तक, तो उस हाइट पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि द पायलट कैन सी द पर्टिकुलर लैंडमार्क्स। तो उस हाइट पे पॉसिबल नहीं है कि पायलट देख पाए कि उसके नीचे क्या है एंड टेल द ATC दैट वी आर फ्लाइंग ऑन दिस रूट। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज दैट वी हैव टेकन हाइपोथेटिकल रूट्स, हाइपोथेटिकल वे पॉइंट्स, रिपोर्टिंग पॉइंट्स। सो जो आपको ये डार्क ब्लैक ट्रायंगल दिख रहे हैं दीज आर नोन एज कंपल्सरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स, एंड कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये कलर फील्ड नहीं होता, उनको हम बोलते हैं नॉन कंपल्सरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स। सो इस पॉइंट पे जब भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा, जब भी यहाँ पहुँचेगा, तो उसको ATC को बताना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पहुँच गया हूँ एंड आई एम ऑन दिस रूट, मेरी करंट पोजिशन ये है। जैसे कि हमने इसको नाम दिया ओसराम, इसको नाम दिया अकेला, इस कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट को नाम दिया इकाबा डिपास, ये कुछ भी नाम हो सकता है, दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नाम, इनका कोई लॉजिक नहीं है। पैकिक्स, उकबाब, गुडुम, कलना एंड बहुत सारे ऐसे वियर्ड नेम आपको पूरे मैप पे लिखे दिख जाएंगे, इनका कोई पर्टिकुलर कहीं मैंने पढ़ा नहीं है कि कोई इनका नेमिंग क्राइटेरिया हो, बट इन सब का काम एक ही है, दे आर कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट जो एयरक्राफ्ट अपने वे में अटेन करता है। सो अगर पायलट रोज फ्लाई कर रहा है लेट्स टेक दिल्ली से अहमदाबाद, सो उसको याद हो जाएगा कि यहाँ पे डिपास पड़ेगा, देन उसके बाद हम जैसे जयपुर एयर स्पेस के आगे बढ़ेंगे हमको उकबाब मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, तो उसको रिपोर्टिंग पॉइंट याद हो जाएगा। ऑल्सो मैं ये मेंशन करूँगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं बहुत बेसिक पैनल पे बना रहे हैं, बिकॉज इसमें हम कुछ डीप नहीं जाने वाले हैं, तो अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको इग्नोर करना, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आई नो दैट बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे B1 के भी हैं, B2 के भी हैं, सो नॉट एवरीवन, इट इज़ नॉट दैट एवरीवन नोज एवरीथिंग, सो हम बहुत बेसिक इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये दिल्ली TMA दिखा हुआ है, फ्लाइट लेवल 200 मतलब 20,000 फीट। ऐसे ही आपको डिफरेंट एरिया में आओगे तो आपको पता रहेगा कि कौन किसका कंट्रोल एरिया कितने नॉटिकल माइल्स में है एंड कितने एल्टीट्यूड में है। वन मोर थिंग कि जैसे ही आप मैप में नीचे आओगे आपको दिखेगा ये एक लाइन दिखाई देगी आपको ऑरेंज कलर की जो जा रही है यहाँ से यहाँ, ये लिखा है दिल्ली FIR, दिस इज मुंबई FIR। सो इसका सिंपल मतलब यही है कि इसके पहले वाला जो एरिया था वो सारा दिल्ली कंट्रोल का एरिया था। FIR स्टैंड फॉर फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन, हमारी कंट्री में डिफरेंट फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन है, दिल्ली अलग हो गया, मुंबई अलग हो गया, कोलकाता इज अनदर वन, चेन्नई इज अनदर वन, सो लाइक दिस हमने डिफरेंट एरियाज को सेपरेट किया हुआ है जिससे कि लोड जो भी है ट्रैफिक का, कम्युनिकेशन का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक पर्टिकुलर एरिया में ना रहे, बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं VHF फ्रीक्वेंसी एंड VHF हमको भी पता है कि इज अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, मतलब VHF बहुत दूर ट्रैवल नहीं करता है, बहुत दूर ट्रैवल करने के लिए वी यूज़ HF। सो सिंस वी आर यूजिंग VHF, सो हमने क्या किया डिफरेंट FIR एरियाज में बांट दिया, यहाँ तक अगर एयरक्राफ्ट है तो इट विल कम्युनिकेट टू दिल्ली एयर स्पेस एंड अगर इसके बाद आएगा तो वो आ जाएगा मुंबई FIR रीजन के अंदर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ऑल दिस कम अंडर मुंबई FIR एंड अगेन नागपुर TMA लिखा हुआ है 255/200, मतलब नागपुर TMA का जो कंट्रोल एरिया रहेगा वो रहेगा फ्लैट लेवल 200 से 255 तक, 200 का मतलब है 20,000 फीट से लेके 25,500 फीट तक। BBN TMA 260 से 460 मीनिंग 26,000 फीट से लेके 46,000 फीट, 26,000 फीट से 46,000 फीट तक जितना भी आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा वो कॉन्टैक्ट करेगा इन दिस रीजन टू BBN TMA। सो ये रहा हमारा सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर RTR मैप्स और यू कैन से हाइपोथेटिकल ATS रूट मैप्स, एंड नाउ यू नो कि जो हमारा बेसिक गूगल मैप्स होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है इस मैप से। सो इफ यू लाइक एनीथिंग इन दिस वीडियो फील फ्री टू गिव अस एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन ईच टाइम वी अपलोड द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।